नमस्कार, दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर लोगों के मन की बात जान जाते हैं और अगर लोगों के मन में कोई समस्या है तो अक्सर उसका समाधान भी कर देते हैं। लेकिन क्या वाकई में दूसरों के मन की बात को जान लेना इंसान के लिए संभव है और आप किस हद तक किसी के मन की बात को जान सकते हैं? वैसे तो कोई भी इस प्रयोग के बारे में आपको नहीं बताता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी हैं, वह सारे प्रयोग करके आपके मनोभाव को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं, वह आपके मन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और वह आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा बता देते हैं। आपको लगने लगता है कि यह ज्योतिषी तो बहुत चमत्कारी है, इन्हें हमारे भूतकाल के बारे में और हमारे भविष्यकाल के बारे में सब कुछ पता है। यह सिर्फ अभ्यास के द्वारा किया जा सकता है। कहते हैं संसार में जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर होती है। हर व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग बातें सोचता है और उसके मन में अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं, पर यह दिमाग में चल रही बातों को सामने वाला व्यक्ति जान पाए ऐसा मुश्किल नजर आता है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर इन चीजों को करके दिखाते हैं। वह भक्तों के मन की बातों को उनसे बिना पूछे ही उन्हें बता देते हैं। दरअसल यह एक साधना से मुमकिन हो सकता है कि आप किसी के मन की विचार को जान जाएं। अगर आप भी अपना मन एकाग्र कर ले और निरंतर अभ्यास करते रहें, तो आप भी यह पता लगा सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। कई बार लोग समझते हैं कि यह दिमाग पढ़ना विज्ञान पर आधारित है, लेकिन यह सटीक तरीके से विज्ञान पर आधारित नहीं है। जानकार मानते हैं कि हर बार आप सही नहीं हो सकते कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। यहाँ केवल आप प्रासंगिक सुरागों के आधार पर ही अनुमान लगाते हैं और आप सामने वाले के मन की बात उसके शारीरिक हाव भाव से समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति की आंखें कैसी है, उसकी मुद्रा कैसी है, उसके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, उसके बोलने के हिसाब आदि तरीकों से आप कुछ हद तक यह जानकारी जुटा पाते हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यह सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते, लेकिन असल में वह बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इस बारे में कुछ जानकारियां दी गई है। आइए समझते हैं वह क्या है। संयम होने पर दूसरों के चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरों के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। चित्त शांत होता है उसकी दिशा और दशा को जानने व समझने से। दशा और दिशा जानी जाती है ध्यान द्वारा होश पूर्ण जीने से। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब आप बोलते हैं सब सामने वाला सुनता है। आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। यदि दोनों ही लगातार बोलते रहे तो दोनों कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आप दूसरों के मन को सुन सकते हैं। मन का चुप होने का मतलब है कि आप अपने विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हैं। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं इस मन शक्ति के योग बल पर योगी चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज भी सुन सकते हैं। लेकिन आपको अगर दूसरों के मन की बात जानना है तो अपने चित्त को शांत करना पड़ेगा। शांत चित्त से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं और आप लगातार प्रयास से दूसरों के मन की बात सुन सकते हैं। हमेशा दूसरों से बात करते वक्त अपने मन को शांत रखिए और सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव को पहचानने की कोशिश कीजिए और उसके व्यवहार और बातों को समझिए। किसी भी इंसान को समझने के लिए सिर्फ हाव भाव या मन शांत रखने से नहीं पता चल सकता। इसके लिए सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार और बातों पर भी गौर करें। अगर आप सामने वाले व्यक्ति की बातों को बिना कुछ बोले सुन रहे हैं, मन की बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने निरंतर अभ्यास और बालाजी के आशीर्वाद से यह संभव किया है कि वह दूसरों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के दुख दर्द को दूर करते हैं। और कई बार लोग अपने परेशानियों को पूछ नहीं पाते, उससे पहले ही वह सवाल और निवारण बता देते हैं। वह अपने शक्तियों का इस्तेमाल हिंदू धर्म में लोगों की भलाई के लिए करना चाहते हैं। उनके इसी नेक मकसद की वजह से भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।